Today we are going to see about gametogenesis further. In our last class we have discussed spermatogenesis, which comes under gametogenesis. Last class de vich apan spermatogenesis de bare puri tarah discuss kar liya siga. Aaj apan second jo ki gametogenesis de vich second number te hai, that is oogenesis, ode bare padhange. सो ओजेनेसिस दे विच की हुंदा है, इन दिस फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस. ठीक है, जिहड़े फीमेल गैमेट्स ने वो मैच्योर हुंदे ने फ्रॉम प्राइमोरियल जर्म सैल्स, फीमेल गैमेट बनते हैं. जिवें कि स्पर्मेटोजेनेसिस दे विच आपां देखिया सी, इन केस ऑफ बॉयज जदों उन्हां दी पबर्टी एज अटेन हुंदी है 12 to 13 ईयरस ऑफ एज, उदों उन्हां दे विच स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है. बट ओजेनेसिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस. इस स्पर्मेटोजेनेसिस वांगू ईजी मैथड नहीं है, थोड़ा जहा कॉम्प्लीकेटेड मैथड है. ठीक है, ये कदों स्टार्ट हुंदा है, जदों एक फीमेल चाइल्ड अपनी मदर के वूम विच हुंदा है, दैट इज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज. इट स्टार्टेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज. वो फीमेल चाइल्ड के बर्थ होने तो पहला तो ही ये स्टार्ट हो जाता है इनसाइड द फीटस. ठीक है, जदों एक मदर का फीटस 6 to 8 वीक्स का हुंदा है, उदों ओगोनियम मल्टीप्लाई हुंदे ने. ठीक है, मल्टीप्लाई होंगे ने तो अप टू 20 वीक्स के आंदे आंदे किन्ने हो जाते हैं मल्टीप्लाई, कहने का नंबर किन्ना हो जाता है 6 मिलियन तक पहुँच जाते हैं. इस तो अगे ये डिवाइड नहीं होंगे, बट इन थोड़े बहुत चेंजिस आते हैं. सो बर्थ तक, बाय बर्थ किन्ने रह जाते हैं, ये 2 मिलियन. पहला 20 वीक्स तक 6 मिलियन होंगे ने, सो बट बाय बर्थ ये किन्ने रह जाते, जो एक फीमेल चाइल्ड का बर्थ हो जाता है, ये 6 मिलियन तो घट के 2 मिलियन तक रह जाते हैं इन ईच ओवरी, इन ईच फीटल ओवरी. तो बाकी कितने गए, बाकी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. इस तो अगर कोई बर्थ तो बाद कोई नवा ओगोनिया बनता नहीं है, जेडे बनते हैं बर्थ तो पहला पहला फॉर्म हो जाते हैं. सो नैक्सट, जिमें कि मैं तुहानू थोड़ा जिहा एक्सप्लेन किया कि 20 वीक्स का जिहड़ा फीटस है उहदे विच किन्ने ओगोनिया हुंदे ने, 6 to 7 मिलियंस. बट हौली हौली की हुंदा है कि ये जिहड़े ओगोनिया ने ये डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं. तो इन्हां दे विच देखोगे तुसी कि डिस्ट्रॉय होके ये किन्ने रह जाते हैं, जस्ट 2 मिलियन. कित्थे 6 to 7 मिलियन सी, तो कित्थे 2 मिलियन ने, बाकी कित्थे गए, बाकी जिहड़े वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है, सो जदों तक पोबर्टी एज आउंदी ने ये किन्ने रह जाते हैं, बाय द एज ऑफ पोबर्टी किन्ने रह जाते हैं, 60 to 80,000. ठीक है, सो पोबर्टी एज दे विच जदों ये आते हैं जेडे ओगोनिया आते हैं, उदों एक किच कन्वर्ट होकर रह जाते हैं प्राइमरी ऊ साइड के. ठीक है, सो प्राइमरी ऊ साइड के कन्वर्ट हो जाते हैं. तो एज इट इज़ प्राइमरी ऊ साइड के, एज इट इज़ जेड़ा मियोसिस वन द प्रोफेज वन स्टेज है, उत्थे तक ये हो के, मतलब उत्थे तक दैट मीनस अ प्रोफेज वन द स्टेज तक ये अरेस्ट होकर रह जाते हैं. मियोसिस वन स्टार्ट तो हुंदा है, बट उसकी अ प्रोफेज वन ही कंप्लीट हुंदी है, बाकी स्टेजेस नहीं आउंदियां. प्रोफेज वन ते ही ये प्रोसेस अरेस्ट हो जाता है, तो प्राइमरी ओसाइट्स एज इट इज़ रह जाते हैं, अगे वो उन्हां दी डेवलपमेंट नहीं हुंदी, एज इट इज़ प्राइमरी ओसाइट रह जाते हैं. सो दैट मीनस अगे की होगा वो आप अगे देखांगे. ठीक है, सो टिल नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि 20 वीक्स का फीटस सी, 6 to 7 मिलियन सी वो कोल ओगोनिया, बाय बर्थ किन्ने रह गए 2 मिलियन, तो जदों पबर्टी स्टेज आई उदों जे ओगोनिया सीगे ये किदे विच कन्वर्ट होए, प्राइमरी ऊ साइड दे विच, इन्हां दा नंबर होर घट गया, किन्ने रह गए 60 to 80,000, बाकी सारे की हो गए, बाकी सारे डिस्ट्रॉय हो गए. सो जो प्राइमरी ऊ साइड जो प्राइमरी ऊ साइड बने ने, सो प्राइमरी ऊ साइड जड़े ने इन्हों की मियोसिस वन तो होगी, मियोसिस वन दे विच ते ए आउणगे, बट मियोसिस वन कंप्लीट नहीं होगी, वो मियोसिस वन अरेस्टेड होगी, दैट मीनस अप टू प्रोफेस वन ही वो मियोसिस वन की स्टेज होगी, अगे नहीं होगी. सो मियोसिस वन की प्रोफेस वन तक ही ये प्राइमरी ऊ साइड्स अरेस्ट होकर रह जाते हैं, अगे इन्हों की कह लो कि अगे पूरा मियोसिस वन कंप्लीट नहीं हो पाता. ठीक है, फर्दर जेडे आ 60 to 80,000 जेडे अपने हैगे ने मतलब कह लो कि प्राइमरी ओसाइट्स, इन्हां दे विच्चों सिर्फ 400s नूं ही चांस मिलता है टू पार्टिसिपेट इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल. किदां, फॉर एग्जाम्पल जे कह लो
कि किसी गर्ल्स दे विच 12 ईयर्स ऑफ एज च मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया है, तो ये कंटिन्यू होगा अप टू 40 to 45 ईयर्स ऑफ एज, है ना। सो क्योंकि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल दे विच सिर्फ एक ही एग रिलीज़ होगा वन बाय वन, जिवें इस मंथ राइट ओवरी च रिलीज़ हुआ, नैक्सट मंथ लैफ्ट ओवरी च, वन बाय वन इदा ही किन्ने रिलीज़ होंगे 400 तक ओवम्स जिहड़े ओह रिलीज़ हो सकते ने इन्हां 60 to 80,000 विचों, बाकी एज इट इज़ पए रहिंदे ने, ठीक है ना। सो जिवें मान लो कि जिवें किसी फीमेल गर्ल चाइल्ड की 12 ईयरस ऑफ एज आ, सो आ मान लो अपने आ सारे अपने प्राइमरी ओसाइट्स ने, है ना, इन्हां चों सिर्फ किसी एक प्राइमरी ओसाइट ने ही अगे मतलब कि अगे जाके उहदी डेवलपमेंट होनी है, तो उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल विच सेकेंडरी ओसाइट दे विच कन्वर्ट होके उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल विच बाहर रिलीज़ होना है। सारिया ने नहीं होना, जस्ट वन बाय एक नूं ही मौका मिलता है कि वह मेंस्ट्रुअल साइकिल विच पार्टिसिपेट करे, तो अगे जाके उहदी है ना एज अ ओवम रिलीज़ होवे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो ओगोनिया इज देयर प्रीमोडियल जर्म सेल्स, उन्हां दी माइटोसिस डिफरेंशिएशन हुंदी है प्राइमरी ओसाइट दे विच जिहड़ी वह कन्वर्ट हुंदे ने, बट जिहड़ी प्राइमरी ओसाइट है, ठीक है, प्राइमरी ओसाइट दी अगे मियोसिस वन होगी, बट मियोसिस वन दी केड़ी स्टेज तक वह रहनगे, वह प्रोफेस वन तक ही एज इट इज़ रहनगे। अगे जाके वन बाय वन किसी एक प्राइमरी ओसाइट नूं मौका मिलेगा कि वह मेंस्ट्रुअल साइकिल विच पार्टीसिपेट करेगा, फिर जिहड़े बाकी ने वह एज इट इज़ रहनगे, वह मियोसिस वन दी प्रोफेस वन तक ही स्टेज तक रहनगे, मतलब कि अरेस्टेड रहनगे, तो जिहड़ा जिहड़े एक नूं मौका मिलेगा उहदी अगे डिवेलपमेंट होगी, तो वह जिहदी डिवेलपमेंट होगी उहदी अगे जाके उहदा मियोसिस वन विल बी कंप्लीटेड, उहदा मियोसिस वन कंप्लीट हो जाऊ, दैट मीनस उहदियां फर्दर स्टेजिस जिहड़ियां प्रोफेस वन तो अगे दियां स्टेजिस ने मियोसिस वन दियां, दैट मीनस मैनाफेज, दैट मीनस मैटाफेज, एनाफेज, ये सारियां स्टेजिस जिहड़ियां ने वह पूरियां कंप्लीट हो जाएंगी उस एक पर्टिकुलर प्राइमरी ओसाइट दी जिन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल विच पार्टिसिपेट किया है, बाकियां दी नहीं। अगे वह प्राइमरी ओसाइट किहदे विच कन्वर्ट होगा, इट विल गैट कन्वर्टेड इन टू सैकेंडरी ओसाइट, बट नाल दी नाल जदों वह प्राइमरी ओसाइट सैकेंडरी ओसाइट च कन्वर्ट होया, नाल दी नाल उन्हें की रिलीज़ की, एक फर्स्ट पोलर बॉडी भी रिलीज़ की। सो हुण अपने कोल एक सैकेंडरी ओसाइट आ गया है, हुण आ सैकेंडरी ओसाइट जिहड़ा है ये रेडी है पार्टिसिपेट, मतलब कि एक ये मतलब रेडी है, ये कदों रिलीज़ होया ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, बट ये मैच्योर ओवम नहीं, मैच्योर एग नहीं कहांगे इनू आपां। सो आ जिहड़ा सैकेंडरी ओसाइट है अपना बन गया, इहदी मियोसिस सैकेंड दी, ठीक है, मियोसिस सैकेंड दी ए प्रोफेस सैकेंड स्टेज कंप्लीट कर लूगा, बट मैटाफेज सैकेंड दी स्टेज ते जाके ये अरेस्ट हो जूगा, ठीक है। सो दैट मीनस मियोसिस टू इहदे विच कंप्लीट नहीं हुई, जिवें प्राइमरी ओसाइट्स दे पहले वाले जिहड़े सी उन्हां विच नहीं कंप्लीट हुई सी मियोसिस वन, उवें ही इहदे विच सैकेंडरी ओसाइट दे विच भी मियोसिस टू जिहड़ी है उहदे विच प्रोफेस टू कंप्लीट हो जूगी, बट उहदे विच मैटाफेज टू दे विच जाके सैकेंडरी जिहड़े सैकेंडरी ओसाइट आ उह अरेस्ट हो जूगा, ठीक है। फिर अगे दैट मीनस अगे कि इहदी मियोसिस टू कंप्लीट नहीं होगी, होगी कदों होगी जदों कोई स्पर्म आऊगा, तो वह स्पर्म आके ये फर्टिलाइज करूगा, उदों यदि अगे जो ये चेंजिस आएंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्हों आ जोड़े अपने सैकेंडरी ओसाइट ने इन्हों की चाहिए, सेंट्रीओल चाहिए, की चाहिए सेंट्रीओल, तो आपां नूं पता है कि सेंट्रीओल किदे कोल है ना, अपने स्पर्म कोल, तो आ जोड़ा सेंट्रीओल है स्पर्म जदों इहदे नाल फर्टिलाइज करूगा ओवम दे नाल सैकेंडरी ओसाइट दे नाल, उदों वह अपना सेंट्रीओल किनू दे दूगा, इहदे विच इनसर्ट करूगा, अपने सैकेंडरी ओसाइट दे विच इनसर्ट करूगा, सैकेंडरी ओसाइट दे कोल सेंट्रीओल आ गया, फिर अगे जाके अपनी हुण मियोसिस टू जिहड़ी है पूरी हो जूगी, ठीक है, मियोसिस टू विल गैट कंप्लीटेड, जदों सेंट्रीओल मिलेगा फिर ही उहदी अगे मियोसिस टू पूरी कंप्लीट होगी। हुण सैकेंडरी ओसाइट जिहड़ा है वह किच कन्वर्ट हो गया, इट विल गैट कन्वर्टेड इन टू ओवम, तो नाल एक सैकेंड पोलर बॉडी रिलीज़ करेगा, वह अगे जिहड़ा ओवम है वह थोड़ा जिहा होर मैच्योर होगा, फाइनली मैच्योर एग सेल आपां नूं देखण नूं मिलेगा।
So this is the basic idea behind oogenesis. So you can see in this diagram also, this is your NCRT diagram. सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है. ओगोनिया है, प्राइमरी ओसाइटा, मियोटिक डिवीजन होंगी है प्रायर टू ओवोल्यूशन. तो पहला ठीक है, ओवोल्यूशन की है ये बारे वी विल डिस्कस इन डिटेल इन मेंस्ट्रुअल साइकिल. फिर सेकेंडरी ओसाइट बनाता है इतने जरा प्राइमरी ओसाइट तो सेकेंडरी ओसाइट बनी है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनी. फिर सेकेंडरी ओसाइट फर्दर ग्रो होया, उन्हें की बनाया ओवम बनाया, तो सेकेंड पोलर बॉडी बनाई. ठीक है, इस तो अलावा जी आ फीटल लाइफ है. ठीक है, प्राइमरी ओसाइट तक जी आप फीटल लाइफ आपू वेखन मिलती है. फिर जो बर्थ हो जाता है आ जे प्राइमरी ओसाइट ने ये जड़े ने यह हौली हौली किच कन्वर्ट होने लग जाते हैं सेकेंडरी ओसाइट बाय द एज ऑफ मतलब कि जो आप बर्टी स्टेज जाता है. फिर सेकेंडरी ओसाइट तो विचों जिमें वन बाय वन जिमें मैंसल साइकिल पार्टीसिपेट करते हैं तो रिलीज़ करते हैं ओवम. ठीक है, सो आ सारा सीगा ओजेनेसिस के बारे.